12 साल की बच्ची के साथ भाजपा नेता ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए रेप किया। बच्ची की जान चली गई, लेकिन ये दरिंदा कहां रुकने वाला था। मासूम बच्ची की मौत हो जाने तक बीजेपी नेता ने अपने दोस्तों के साथ उसके साथ बलात्कार किया। खबर सुनकर रूह कांप गई ना। मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का है। बच्ची सब्जी लेने गई हुई थी, रास्ते में बीजेपी नेता की बुरी नजर उस पर पड़ी और वो उसे उठाकर अपने घर ले गया। यहाँ बीजेपी नेता ने अपने दोस्तों के साथ बच्ची का गैंग रेप किया। मासूम की मौत होने तक ये दरिंदे उसे नोचते रहे। यह है बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी महिलाओं की सुरक्षा और उनके उत्थान की बड़ी बड़ी डींगे तो हाँकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हर दिन महिलाओं की आबरू लूट रहे हैं। पीएम ने मुंह पर टेप लगा रखा है। बात चाहे चिन्मयानंद की हो या फिर कुलदीप सिंह सेंगर की, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या हो या फिर महिला पहलवानों के आंसू, लिस्ट बहुत लंबी है। एक एक डिटेल में बताएंगे तो महीने लग जाएंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देश की महिलाएं और बेटियों को अब बीजेपी नेताओं से ही डर लगने लगा है। बीजेपी नेताओं से बेटी बचाओ, ये नारा पूरे देश में गूंज रहा है। वो बात अलग है कि आप चाहे जितना चिल्लाएं, न्याय की गुहार लगाएं, आंदोलन करें, अनशन करें, लेकिन पीएम के कान में जू तक नहीं रेंगेगी। इस सरकार में कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। पीएम खुद अपने नेताओं के बचाव में खड़े हो जाते हैं। पीएम की यही खामोशी दिनों दिन बलात्कारी और अपराधियों के हौसले बढ़ा रही है।